हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। शिल्पा शेट्टी के ससुर 75 साल के हो गए हैं। शिल्पा ने ससुर का बर्थ विश करते हुए कुछ मिनट पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में वे ससुर को गले लगाते हुए नजर आ रही है। उन्हीं फोटो शेयर कर ससुर के लिए स्पेशल नोट भी लिखा है। उन्होंने लिखा, 75वां जन्मदिन मुबारक हो डैड, दुनिया में सबसे अच्छे ससुर होने के लिए धन्यवाद। हम आपको अपने जीवन में पाकर बहुत धन्य हो गए हैं। आपके मुस्कान हम सबका साथ देती है। आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिले। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको बता दें कि शिल्पा पिछले कुछ महीने के से पति राज कुंद्रा की वजह से चर्चा में रही है। दरअसल उनके पति पॉर्न वीडियो बनाने और उसे ऐप पर डाउनलोड करने के मामले में गिरफ्तार हुए थे। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। बता दें कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की शादी को 12 साल हो गए हैं। कपल ने 2009 में शादी की थी। दोनों की पहली मुलाकात लंदन में हुई थी। लंदन में शिल्पा के बिग ब्रदर 2007 जीतने के बाद में पहली बार उनकी अपने मैनेजर के जरिए मिले थे। शिल्पा शेट्टी से पहली मुलाकात परफ्यूम ब्रांड S2 के प्रमोशन के दौरान हुई थी। हम दोनों ही एक इसलिए ही लंदन पहुंचे थे, राज कुंद्रा ने कहा था कि शिल्पा शेट्टी शुरुआत में मेरे साथ रिश्ते में आने को तैयार नहीं थी, लेकिन मैं तो उन्हें पहली बार देखते ही हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया था। मैं जानता था कि कहीं ना कहीं हमारी दोस्ती की वजह से उनका थोड़ा झुकाव तो मेरी तरफ था। बाद में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने 22 नवंबर 2009 को हमेशा हमेशा के लिए होने का फैसला कर लिया। शादी के 3 साल बाद शिल्पा शेट्टी मां बनी और उन्होंने 21 मई 2012 को बेटे वियान को जन्म दिया। वियान के जन्म के 8 साल बाद सरोगेसी के जरिए 15 फरवरी 2020 को उनकी बेटी शमीषा का जन्म हुआ। जी हाँ, अब हम आपको बता दें ये चीज़ कि बात शिल्पा शेट्टी के वर्क फ्रंट की, तो पिछले साल उन्होंने बॉलीवुड में कमबैक किया था। उनकी फिल्म हंगामा OTT पर रिलीज हुई थी। हालांकि फिल्म ने कुछ खास कमाल नहीं किया था। जल्दी TV के रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट को होस्ट करती नजर आएगी। ये शो 15 जनवरी से शुरू होने वाला है। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।